21वीं सदी में कैंसर एक घातक बीमारी बन गया है। कैंसर ने कई लोगों की जान ले ली है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक साल में लगभग 7 से 8 लाख लोगों की मौत कैंसर से होती है। यह आंकड़ा कोविड-19 के कारण हुई मौतों से अधिक है। कैंसर तेजी से फैल रहा है। धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत बराग गांव के रहने वाली वंदना कुमारी सपुत्री हचू राम कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं। ये परिवार सड़क की समस्या के साथ साथ इस जानलेवा बीमारी से भी जूझ रहा है। हचू राम के परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। हचू राम की उम्र करीब 51 साल है और उनकी बेटी वंदना कुमारी की उम्र अभी मात्र 20 वर्ष है। आपको बता दें कि हचू राम एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। वो हॉर्टिकल्चर विभाग में माली की जॉब करता है। उनको भी हॉट के 2 स्टंट पड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी वंदना कुमारी का 1.5 साल से कैंसर हॉस्पिटल IGMC शिमला में उसका इलाज करवाया जा रहा था, मगर अब वहां के डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब उसका इलाज PIG चंडीगढ़ में होना है, जिसके लिए वहां के डॉक्टर ने करीब 35 लाख का खर्चा बताया है। हेलो नमस्कार जी, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील धर्मपुर गांव लोर ब्रांच में रहने वाली निवासी हूँ। मेरा नाम वंदना कुमारी है और मेरे पापा जी का नाम श्री हच्छू राम है। मैं 1.5 साल से कैंसर से पीड़ित हूँ और मेरा इलाज IGMC में चल रहा था और अब मेरी बीमारी ज़्यादा बढ़ चुकी है और IGMC वालों ने हमें PGI रेफ़र कर दिया है और PGI वाले बोल रहे हैं कि आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, जिसके लिए 30-35 लाख आपको जमा करवाना पड़ेगा, तब आपका इलाज शुरू होगा। मेरे पापा के पास जो कुछ भी था वो लगा चुके हैं और अब हमारे हाथ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पापा खुद एक हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें 2 स्टंट पड़ चुके हैं और हमारे पास जो हिम केयर कार्ड था वो भी ख़त्म हो चुका है और अब मेरा बोन मैरो का टेस्ट फिर से होने वाला है, जिसके लिए 1.5 लाख का इंजेक्शन चाहिए। और पूजा दी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और कर भी रहे हैं, चाहे वो हमारी मदद हर साइड से कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरों से लड़ रहे हैं, चाहे CM के पास जा रहे हैं, मतलब हर साइड से वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। मैं उनका और जो और भी हमारी सहायता कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि कृपया मेरी मदद करें ताकि मैं अपने सपनों को संजोग सकूं। मैं मरने से नहीं डरती, जब मौत आएगी तब जाना ही होगा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। मेरे पापा मेरी स्ट्रेंथ हैं, उनसे मुझे काफ़ी ताकत मिलती है, क्योंकि मेरे पापा ने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी है। मैं उनके लिए जीना चाहती हूँ। मेरी मम्मा भी नहीं है, मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ। कृपया मेरी मदद करें और जिन्होंने मेरी मदद की है मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, खासकर पूजा दी का। हचू राम ने बताया कि उनकी पत्नी की 14 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। वो अकेले ही पूरे घर का पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए जो धन राशि उन्होंने इकट्ठी की थी वो अब खत्म हो गई है। उन्होंने बताया कि बेटी के इलाज के लिए वो पहले ही कई लोगों से उधार भी ले चुके हैं, जो वो भी अब खत्म हो चुके हैं। हेल्प की गुहार लगाई है ताकि इस बच्ची का इलाज हो सके और वो भी अपनी जिंदगी सही से जी सके। अब देखना यह होगा कि एक तरफ सरकार बड़े बड़े हॉस्पिटल एम्स जैसे हिमाचल में खोल रही है और दूसरी तरफ गरीब परिवार का सही से इलाज न होने से कई जिंदगियों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। तो आप देखना यह होगा कि सरकार इस ओर क्या कदम उठाती है। क्या महज वंदना कुमारी की जिंदगी सुधार जाएगी, सरकार कोई मदद करेगी कि उसको भी महज कोरे आश्वासन के और कुछ नहीं मिलेगा।